200 करोड़ों की आबादी वाली इस दुनिया में कुछ ना कुछ घटित होता ही रहता है और उनमें से भी कुछ घटनाएं हमारे पास लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाती हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ अचंभव कर देने वाली घटनाएं होती हैं जिसे देखकर हम तो हैरान रह जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्यारे व्यूवर्स वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, हो सकता है आपके कुछ काम का मिल जाए। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों सबसे पहले तो ये क्लिप देखने के बाद तो आपके पसीने छूट जाएंगे। तो शाम का समय था और दो दोस्त बड़े आराम से रास्ते पर चले जा रहे थे, वहीं वाहनों का आना जाना भी था। तभी अचानक से एक ट्रक इनकी तरफ पलट जाता है, तभी इस तरफ वाले व्यक्ति की तो दबकर जान जाने वाली थी। तभी उसका दोस्त बिना सोचे समझे उसे खींच लेता है, तभी कुछ सेकंड में ही अपने प्यारे दोस्त को बचा लेता है। अगर आपके भी इतने अच्छे और सच्चे दोस्त हैं तो कमेंट में जरूर अपनी राय देना। दोस्तों अब दिल दहला देने वाली फुटेज को भी देखिए, जिसमें देखने पर आपको लगेगा सड़क पर एक ट्रक ही चल रहा है, लेकिन पास जाने के बाद पता चलता है कि ड्राइवर जिस केबिन में बैठकर ड्राइव कर रहा है उसे नीचे से ऊपर उठाया गया है और चलते ट्रक में केबिन को नीचे से उठाकर ये दोनों ट्रक को रिपेयरिंग का काम पूरा कर रहे हैं। वहीं ड्राइव करने वाले ड्राइवर झुक कर ड्राइव कर रहा है, लेकिन भैया जी आपका काम तो बिल्कुल सही है पर इस तरह की हरकत जानलेवा भी साबित हो सकती है। अब मित्रों आप इस अगले क्लिप को देखिए, जिसमें ये लेडी पक्षी को हाथ में पकड़कर कुछ कर रही है, पर कुछ कारण की वजह से इस पक्षी की जान चली गई थी, पर ये लड़की कोने में पड़े पक्षी को ही अपने हाथों में उठा लेती है और इसे CPR देने की कोशिश करती है, पर काफी कोशिश के बाद ये मोहतरमा इसकी जान नहीं बचा पाती है। पर इतने सच्चे दिल और कोशिश के लिए तो तालियां तो बनती है बॉस। दोस्तों ये क्लिप देखकर तो हमारे BL लवर्स को तो सदमा लग जाएगा। तो यहाँ ये जनाब अपनी बैलेंसिंग स्किल से मशहूर थे, इसीलिए पार्टी में गेस्ट के लिए बियर लेकर जा रहे थे। तभी एक एक करके बियर की 60 ट्रे ले लेते हैं। तभी बियर को सर्व करने के लिए पहली टेबल पर जाते हैं तो जनाब का बैलेंस बिगड़ता है और कई लीटर बियर फैल जाती है। अरे भाई जब आता नहीं है तो ऐसी हरकत क्यों करते हो, करा दिया ना नुकसान। दोस्तों केरला स्टोरी आजकल के चर्चा का विषय बन चुकी है, जिसमें ट्रेलर रिलीज होने पर एक अलग ही तरह का हड़कंप सा मच चुका है। कहते हैं केरला स्टोरी एक आतंकवादियों की नीति पर आधारित है, एक राज्य जहां एक लोग इतना ज्यादा परेशान और परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं। उस केरला में चल रही वही चीजों का खुलासा इस केरला स्टोरी में किया गया है। केरला स्टोरी फिल्म दावा करती है कि केरला में 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों का धर्म बदल दिया गया था और जबरन उन्हें ISI में उन्हें बाहर भेज दिया गया था, और फिल्म की यही सारी चीज को देखते हुए विवाद और ज्यादा बढ़ रहा है और इसे देखकर भी कांग्रेस और अन्य दल भी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं ये फिल्म तो एक झूठ है और जनता को भड़काया जा रहा है। अब ये सब चीज तो फिल्म देखने पर ही पता चलेगा आखिर सच क्या है। तो अब देखते हैं प्रधानमंत्री क्या कहते हैं और क्या सच में इसमें बताया गया है। ऐसे नरेंद्र मोदी के बयान के बाद केरला स्टोरी के विवाद का एक नया ही मोड़ ले लिया है। कई दिनों से ये विवाद कांग्रेस और BJP की लड़ाई में बदल गया है। फिल्म ऐसे शुक्रवार को रिलीज हुई है और चर्चा में काफी ज्यादा अलग अलग बातें सुनने को मिल रही हैं। ऐसे केरला के भी पूर्व मुख्यमंत्री ने भी वीडियो जारी किया है, जिसमें वो खुद बता रहे हैं केरला 20 सालों में मुस्लिम स्टेट बन सकता है। रविवार को केरल के मुख्यमंत्री ने भी पिनराई विजयन ने ट्रेलर को देखते हुए कहा ये फिल्म तो देखकर ऐसा लग रहा है राज के खिलाफ भड़काने के लिए और बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। वही नए यूथ केरल की राजधानी कोची में फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस फिल्म का दावा किया गया है 32,000 लड़कियों को और क्रिश्चियन लड़कियों को गायब कर दिया गया है, जिसे पहला फुसला कर ISI से जोड़ दिया गया है, जिसके बाद ये बात कोर्ट तक पहुंच गई, जिसमें कोर्ट ने कहा ये फिल्म भी सच्ची घटनाओं पर प्रेरित है और कोर्ट ने भी ये भी बताया कि फिल्म सेंसर बोर्ड से पास होकर आई है तो बैन करने का कोई वजह ही नहीं हो सकती है। वैसे प्रोड्यूसर ने भी डिस्क्लेमर दिया है कि ये एक काल्पनिक कहानी है। हाई कोर्ट ने प्रोड्यूसर की ओर से वकील से पूछा गया सारी कहानी आपको कहां से मिली, तो उन्होंने बताया कि वही निर्माताओं से मिली जानकारी पर आधारित है।
हालांकि ये जानकारी हटाने की बात कही गई, तो ट्रेलर में 32,000 लड़कियों का जिक्र हटाकर सिर्फ 3 लड़कियों के बारे में जिक्र करा गया है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा हमें जल्दी से कमेंट करके बताना, और हाँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।